हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मेथी का जो है रोटी बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं आटा मिला हुआ है, आटा है, इसमें आपका मिर्चा मिला हुआ है, इसमें आगे हम इसमें देखिए जमाइन और मंगरेला हम लोग डालते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए अब हम लोग प्याज और मूली का जो ये मिश्रण है उसे हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका इधर धनिया है, मेथी है, मेथी का ये पत्ता है, मेथी का पत्ता डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप मेथी का पत्ता। सभी को क्या करना है, मिक्स करना है सबको, सभी को मिक्स करके जैसे आप रोटी का आटा सौंधते हैं बस उसी प्रकार से सौंध देना है। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार अपने अनुसार मैंने डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब इसे हम सौनेंगे, जिस तरह से आप अपने घरों में आटा सौंधते हैं बस उसी तरह से सबको मिक्स किए हैं। इसे मिलाकर अब इसमें पानी मिलाया जाएगा, देख सकते हैं आप पानी मिला दिया गया है। मेथी का जो आपने लड्डू खाया होगा उसका जो बीज होता है, बीज जो होता है उसका लड्डू बनता है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि मेथी का रोटी कैसा लगता है खाने में। इस प्रोसेस से करना है, आटा को गूंथना है, गाइस हमारा जो है आटा तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं इस तरह से हमारा आटा अब तैयार हो गया है, अब रोटी बनेगा। देख सकते हैं जिस तरह से रोटी बेलाता है, इसमें सब कुछ मिला, मेथी, प्याज, लहसुन, इसमें मेथी, प्याज, लहसुन और मिर्चा, धनिया का पत्ता, ये सब काट कर इसमें दिया हुआ है, जिसके कारण आपको ऐसा नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं रोटी बनकर तैयार हो गया, इसमें चटनी मिला हुआ है धनिया का, और धनिया इसमें मिला हुआ है, टमाटर मिला हुआ है, लहसुन मिला हुआ है। आप भी बना सकते हैं इस तरह की चटनी। गाइस देख सकते हैं आप बन रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।